हेलो एंड वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के बुक बिहाइंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था? तो आंसर है, अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मॉस्क स्ट्रीट जो रामेश्वरम में है, वहां पर उनका घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ गिवर। रीजन फॉर योर आंसर, बोल रहा है कि दीनामणि, हम लोग स्टोरी जब पढ़ रहे थे उसमें दीनामणि हम लोग एक नाम सुने थे, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो दीनामणि है ये आपको क्या लगता है कि ये किस चीज का नाम हो सकता है, और आपका जो आंसर है आप उसका रीजन दीजिए। तो इसका आंसर है, दीनामणि इज द नेम ऑफ अ तमिल न्यूज पेपर। सो दीनामणि जो है ये एक तमिल न्यूज पेपर का नाम है। इट इज बिकॉज कलाम अटेम्प्टेड टू ट्रेस द स्टोरीज ऑफ द वॉर इन द हेडलाइंस इन दीनामणि। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि स्टोरी में हम लोग पढ़े थे कि अब्दुल कलाम जो है पहले अपने बहनोई से, जलालुद्दीन से, वो क्या करते हैं, वॉर की कहानियां सुनते थे। फिर बाद में वो क्या करने लगते हैं, दीनामणि के हेडलाइंस पे वो इसे, वॉर के हेडलाइंस को वो पढ़ पाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एक न्यूज़पेपर का बात किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वेयर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब बोल रहे हैं कि अब्दुल कलाम के कौन कौन से फ्रेंड्स थे और बाद में उनके फ्रेंड्स क्या क्या बन गए, ठीक है। तो इसका आंसर है, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वेयर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। उनके बचपन में तीन क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, कौन कौन? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंदा शास्त्री टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अब हम लोग स्टोरी में ये पढ़ते हैं कि रामानंदा शास्त्री जो है उनके फादर रामेश्वर में बहुत बड़े पुजारी थे, फिर बाद में वो पुजारी का जो पद है वो रामानंदा शास्त्री हासिल कर लेता है, ठीक है। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अब अरविंदन जो है वो क्या करता है, तीर्थ यात्रियों के आने जाने का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त ये करता था। शिव प्रकाशन अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सौदर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन बाद में क्या हुआ, सौदर्न रेलवेज में वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठीक है। केटरिंग जो खान पान का कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें ये अपना नौकरी करने लगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम की पहली कमाई कैसे हुई? तो इसका आंसर है, शमसुद्दीन वॉज लुकिंग फॉर अ हेल्पिंग हैंड, सो ही आस्क्ड कलाम टू हेल्प इन कैचिंग द बंडल्स ऑफ न्यूज पेपर थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड। अब हम लोग स्टोरी में ये पढ़े थे कि पहले तो वर्ल्ड वॉर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था इस जगह पर, ये जहां पे रहा करते थे, बट बाद में फिर इसका प्रभाव पड़ने लगा। और प्रभाव क्या पड़ा कि रामेश्वरम में कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, ट्रेन को सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसीलिए रामेश्वरम में जब न्यूज़पेपर के बंडल्स को, ठीक है, क्या होने लगा, चलती हुई ट्रेन से ही फेंका जाने लगा रामेश्वरम रोड पे, ठीक है। दिस टास्क हेल्प्ड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। और अब्दुल कलाम के जो कजन थे शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर सेल किया करते थे, डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो उन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, कोई मदद करने वाला चाहिए था ताकि वो बंडलों को कैच कर सके। तो अब्दुल कलाम उनका हेल्प करते हैं बंडलों को कैच करने में, ठीक है, और फिर शमसुद्दीन उनको उनका पहला कमाई देता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हैड ही अर्नड एनी मोर। फिफ्थ क्वेश्चन है, Had he earned any money before that? In what way? अब पूछा जा रहा है कि क्या ये न्यूज़पेपर के बंडलों के पहले कभी कलाम ने कोई पैसे अर्न किए थे, और अगर किए थे तो किस तरीके से। तो इसका आंसर है, Yes, he earned money before that. हाँ, उन्होंने इससे पहले भी कमाया था पैसे।
He used to collect tamarind seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. वो क्या करते थे? टैमरिन मतलब इमली के बीज को इकट्ठा किया करते थे और उसे मॉस्क स्ट्रीट के दुकानों में जाकर बेच दिया करते थे. This helped him earn one anna a day. और दिन भर में उनकी एक अना की कमाई हो जाती थी. तो ये था फर्स्ट सेक्शन का कुछ क्वेश्चन आंसर्स. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाते रहते हैं. तो तब तक के लिए कीप लर्निंग.